नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है, तो आइए जानते हैं कि किस क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पे है किसान और कृषि क्षेत्र। इस बार के बजट में नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे भी किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंबर दो पे है नौकरियां। रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद सरकार देगी। रोजगार देने पर सरकार इम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव्स भी देगी। 1 लाख से कम सैलरी वाले इम्प्लॉयर्स रखने पर सरकार इम्प्लॉयर्स के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए हर महीने 3,000 रुपए देगी। नंबर तीन पे है शिक्षा। मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% का इंटरेस्ट सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स आएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। नंबर चार पे है वुमेन्स। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। हॉस्टल की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। नंबर पांच पे है बिहार। 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा। 21,400 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाएं शुरू होंगी। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही में नए मेडिकल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। नंबर छह पे है आंध्र प्रदेश। 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिलेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोपत्ती क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओरावक्कल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। नंबर सात पे है इंडस्ट्री। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई है। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, इसके लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। नंबर आठ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर। अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना फेज 4 शुरू होगा, जिसके तहत 25,000 गांवों में सड़क बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर नौ पे है यूथ। टॉप 500 कंपनीज में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। पीएम पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए हर महीने भत्ता और 6,000 रुपए की एक किस्त में सहायता दी जाएगी। नंबर 10 पे है अपना घर। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पे लोन मिल सकेंगे। इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी भी शुरू होगी। नंबर 11 पे है टूरिज्म। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को इंटरनेशनल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी। नंबर 12 पे है हेल्थ। कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है। इससे दवाएं सस्ती होंगी। एक्सरे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। नंबर 13 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% किया गया है। कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। नंबर 14 पे है इनकम टैक्स। नई टैक्स रिजाइम में 3 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख पर 5%,
7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। नंबर 15 पे है कॉर्पोरेट टैक्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर TDS की दर को 1% घटाकर 0.1% किया गया है। फॉरेन कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। तो आइए जानते हैं कि सरकार टोटल कितना पैसा खर्च करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 2024-25 में 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। 11,00,000 करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 1.72 लाख करोड़ रुपए हथियार खरीदने पे खर्च होंगे। तो आइए जानते हैं कि सरकार कमाई कैसे करेगी। सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और GST से होगी। इनकम टैक्स से 19% और GST से 18% की आमदनी होगी। खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी। वहीं सबसे ज्यादा 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना होगा और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च करना होगा, जबकि कर्ज पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए 19% रकम खर्च करनी होगी। तो ये थे कुछ नए बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले आपको इसके बारे में पता था तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।